الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا शहीद इस दारे दुनिया में हमेशा जिंदा रहे।
खुदा के दामने तौहीद में पाइंदा रहता है। समेरे मोहतरम, इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावते इस्लाम देते हुए 3 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आया, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रिश्तेदारों को जमा करो और उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम सुनाओ, उसकी वदानियत का पैगाम सुनाओ। आदरणीय मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सफा पर खड़े होकर अपने रिश्तेदारों को दावत दी, तशरीफ लाए, फरमाया है लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात वादा शरीक है और ये लात और मुनात की प्रस्तुत छोड़ छोड़ कर एक वादा उल्ला शरीक खालिक की इबादत करो। जब ये बात सुनने की देर थी तो मुशरिकीन मक्का दुश्मनी की आग भड़काने लगे। इस तरह चलते चलते मुद्दत गुजर गई, 13 साल का हदसा गुजर गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहर जिसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसमें उठाई उनको जो शहर को छोड़कर हिजरत फरमाई और मदीना शरीफ में कयाम फरमाया। मदीना शरीफ कयाम के 2 साल गुजर गए तो मुशरिकीन मक्का ने फिर भी कोई दुश्मनी और पीछा ना छोड़ा, तो मुशरिकीन मक्का ने फिर सन 2 हिजरी में मुसलमानों को सफाए हस्ती से मिटाने के लिए इरादा फरमाया और 1000 असले से लैस इंसानों का लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रफ़का ने इस्लाम के इस पहले गज़वा में शिरकत करते हुए मुशरिकीन ने मक्का को मैदान बदर में रोका और आज के हमारे प्रोग्राम का जो पैगाम है वो ये है, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं आज भी कतार अंदर कतार। तो ये तरह सिलसिला जारी रहेगा। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतल्लम जामे हाजा मोहम्मद फैजान बरादर तशरीफ लाते हैं। हजूर की पाक बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के दिल अच्छा करता सल्लल्लाहु अलैका या अस्तादालिया गोसिया वैसिया दारुल इरफान बैलपुर शरीफ के शोबाए नशर व अशाद से जो वक्तन फ़क्तन सबक पैगाम मिलते रहते हैं, तो आज का जो पैगाम है वो है फ़ज़ाए बदर। फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं आज भी कतार अंदर कतार। तो क़िबला हज़रत ने हमारी दानदारी फरमाते हुए इरशाद फरमाया, बताएं फ़ज़ाए बदर क्या है। तो मैंने आपसे ही पढ़ा है फ़ज़ाए बदर का माना और जब बंदा फ़ज़ाए बदर ये है कि बंदा अपने आप को अपने मौला के हवाले कर दे, अपने मौला के हुज़ूर पेश कर दे, तो जब बंदा अल्लाह का हो जाता है और अल्लाह का हो जाता है। मैंने जो ये सोच है तो फ़ज़ाए बदर का माना है कि जिसने मन का नलिंदा है मकान अल्लाह ना हूँ, बंदा अपने आप को अल्लाह के हुज़ूर पेश कर दे। और जब बंदा अपने आप को अल्लाह की पाक पारगाह में हुज़ूर की गुलामी में पेश कर देता है तो फिर फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर उनकी खिदमत के लिए फरिश्ते नाज़िल होते हैं।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रूहे मुस्तफा को देखा तो जी।
Lord,
अली रजा शाह साहब, सैयद अली मुर्तजा शाह साहब, हुजूर की पाक बारगाह में हकीकत और मोहब्बत के फूल नछावर फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम पहुंचा रहे हैं। मुशरकीन मक्का ने आपके चचा हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से राब्ता किया, अर्ज करने लगे आप हमारे सरदार हैं, आपका भतीजा ये पैगाम दे रहा है, लोगों झूठे मबूदों की इबादत छोड़कर, लात और मनात उज़ा को छोड़कर एक वादहु ला शरीक रब की इबादत करो। वो वाहिद है, अकेला है। अहले मोहब्बत लिखते हैं तौहीद तो ये है कि खुदा कह दे मैशर में ये बंदा दोनों जहां से खफा था मेरे लिए, अपने वादा ला शरीक रब की इबादत करो। हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, वो कहने लगे ए हमारे सरदार अबू तालिब, तुम हुजूर का साथ छोड़ दो या उन्हें तंबीह फरमाओ, वगरना जंग का सामान करो और मैदान में आओ। आपने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया, पूछा, कहने लगे मैं बूढ़ा हूं, अकेला कुल अरब से लड़ नहीं सकता। अंधेरे मैं कला सारे अरबों से लड़ नहीं सकता, अगर अड़ जाऊं तो सारा कबीला मेरे सामने अड़ नहीं सकता। अखंड ने पहली तो गल मैं देना पड़ता, अगर मैं खड़ो जावा तो किसी की जरूरत भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ चाचा जान, जफाओ जुल्म की आंधी चले, जो कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, मिटाने को मेरे शदादु हमान आ जाए, मेरे हाथ पर लाकर सूरज चांद भी रख दे, मेरे पांव तले रुए जमीन का मालो जर रख दे, खुदा के काम से मैं बाज हरगिज आ नहीं सकता, खुदा के काम से मैं बाज हरगिज आ नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं, झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। आपने फरमाया ऐसा नहीं कर सकता। यही वजूहात हैं जिनकी बना पर मारकाए बदर वजूद में आया। हुजूर की पाक बारगाह में उस्ताद जी नाक साहब तशरीफ लाते हैं और अदियाए नाक शरीफ पेश करते हैं। उस्ताद जी नाक साहब Hallelujah।
Amen.
والعاقبات للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ستار يا غفار مہربان اللہ ہمارے مہربان اللہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان اللہ مسکین لوگوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے پاکیزہ حاضری آپ کی پاک بارگاہ میں قبول فرمائی کلمات طیبات کی برکت سے میرے مولا شہداء بدر کے حضور عقیدت اور محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جان سالوں کے حضور انجمن جامعہ دوسیہ ویسیہ کے زیر انتظام یہ عقیدت اور محبت کے قلیل نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں مہربان اللہ قبول آمین یا اللہ کلمات میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اولاد اطہار یار انصار ازواج مطہرات کے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام صحابہ یار بارہ امام خادم سن شہداء اسلام شہداء کربلا ایک لاکھ چوبی ہزار انبیاء اکرام کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرمائیے آمین تمام نبی جین صدیقین شہداء صالحین حضور کو سے سکالے محبوب سبحانی ربانی قلیل نورانی سا چشمہ فیض سمدانی حضور کو سے رادت پاک حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں آپ کے والدین کریم اولاد اطہار یار انصار سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ ویسیہ نشاہیہ سلسلے کے تمام اکابرین بالخصوص حضور پیر طریقت رہبر شریعت واقف حقیقت قبلہ ویسا والی سرکار حضور جی نبی سرکار ہمارے شہر کامل کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آمین کلمات طیبات مولکہ قبرستان میں ہمارے حضور کے والے دین جتنے مہربان جہان میں رنگ و بو سے پردہ فرما ہے سب کے درجات بلند فرمائیے آمین بالخصوص آج کی حاضری شہدائے بدر کی بدر کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آمین یا اللہ پاک کلمات طیبات کی برکت سے ماسٹر محمد اکبر صاحب اور ان کے بیٹوں نے جو محبت کا اظہار کیا اور حاضرین نے طول نزدیک سے دعوت نے دل میں قدم قدم میں محبت کا اظہار فرمایا یا اللہ قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرمائیے آمین اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیے آمین اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے آمین یا اللہ کرونا جیسی مرض سے تمام عالم انسانیت کو محفوظ فرمائیے آمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرمائیے آمین یا اللہ جو مانگ سکے عطا فرمائیے آمین نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بے مانی عطا فرمائیے آمین یا اللہ من خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر نقال قدیر صلی اللہ تعالیٰ محمد آل ہی و صلی اللہ علیہ وسلم